सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बहुत बड़ी एक मैसेज लेके आ गया आप सभी के लिए। दोस्तों जितना भी स्मार्टफोन यूजर है सभी को जानना बहुत ही जरूरी और बहुत ही कंपलसरी एक बात है। अभी एक न्यूज आ गया दोस्तों, रियलमी 8 ब्लास्ट हो गया। मतलब ये ब्लास्ट सीरीज बहुत दिनों से चल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 से शुरुआत हुआ था दोस्तों, अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था वन प्लस का फोन, उसका दोस्तों रियलमी का 8 आ गया, ठीक है। और रियलमी का 8 जो स्मार्टफोन है, अभी बैक साइड आप देख रहे हो दोस्तों, बैटरी ब्लास्ट ऐसे हो गया, ज़्यादा कुछ मतलब पूरा छित्र नहीं उड़ गए, पूरा दोस्तों ढक्कन खोल खाल के स्थिति बहुत ही खराब है। और ऐसे बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है, बहुत सारे आदमी के पास दोस्तों बहुत सारे यूनिक यूनिक स्मार्टफोन होता है और बहुत सारे आदमी को बहुत डर भी रहता है कि भाई किस टाइम फूट जाएगा, इंटरनल प्रॉब्लम या बाहर से प्रॉब्लम है, पूरा डिस्कस करेंगे। और कुछ सेफ्टी इशू भी आप सभी के साथ दोस्तों शेयर करेंगे, जैसे कि आपका स्मार्टफोन सेफ रहे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगता तो लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इसी देर के। सो दोस्तों रियलमी 8 जो ब्लास्ट हो गया दोस्तों, एक दिन पहले का न्यूज है। और ऐसे स्थिति है कि भाई ये बहुत ही गर्म होने के बाद ही ऐसा हुआ, जैसे कि दोस्तों स्मार्टफोन यूजर जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते करते भाई इंटरनल अगर प्रॉब्लम होगा कोई भी स्मार्टफोन का दोस्तों, अंदर से अगर कुछ केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्च होने का कुछ ही महीने के बाद, अगर 1-2 महीने के बाद दोस्तों स्मार्टफोन मतलब ब्लास्ट होना हर एक जगह शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस्तेमाल करने के बाद। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में हुआ था, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 दोस्तों 2016 में दोस्तों अगस्त में लॉन्च हुआ था, और दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर में ब्लास्ट होना शुरू हुआ था, हर मतलब दुनिया भर में दोस्तों हर एक जगह में दोस्तों ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद सैमसंग ने अपना ऑफिशियली बता दिया कि स्मार्टफोन का अंदर से प्रॉब्लम है, ठीक है, ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ये जानलेवा है। उसके बाद दोस्तों वन प्लस के स्मार्टफोन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, सभी ने मतलब बहुत ही 30,000 का स्मार्टफोन भाई कम दम नहीं है। उसके बाद दोस्तों जानलेवा भी होता है कि स्मार्टफोन ब्लास्ट होने के बाद कंपनी ने जांच कर रहा था भाई क्या हो गया, अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो गया नहीं। उसके बाद और एक ट्वीट आ गया, उसमें पता जा रहा था कि भाई हमारा भी स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, उसमें कुछ भी स्मार्टफोन का इमेज वगैरह नहीं थे। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद वो स्मार्टफोन मतलब कंपनी ने बोला कि ठीक है मैं आपका भरपाई करने के तैयार हूँ। उसके बाद स्मार्टफोन जो यूज़र है उसका ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर लिया, वो खुद ही कर लिया, ठीक है, मतलब ऐसा एक झोल चल रहा था। उसका दोस्तों रियलमी 8 के जो इमेज देख रहे हो, स्मार्टफोन भाई बहुत तरीके से ब्लास्ट वगैरह होता है, अंदर से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्मार्टफोन लॉन्च होने का 1-2 महीने के बाद दोस्तों ब्लास्ट होना शुरू होता है, और नहीं तो अगर स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस टाइम दोस्तों ब्लास्ट कैसे होता है आपको बताते हैं। स्मार्टफोन अगर आपके 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हो जाए, गर्म हो जाएगा, तब स्मार्टफोन ब्लास्ट होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। नॉर्मली ये होता नहीं है, ये बहुत ही हिडन चीज़ है भाई साहब, ये बहुत ही मतलब स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के मतलब अनलिमिटेड लोड अगर दोगे स्मार्टफोन के ऊपर, तब दोस्तों स्मार्टफोन ब्लास्ट होता है। या दोस्तों आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जेब में है, धूप में घूम रहे हो, उस टाइम दोस्तों आपको धूप से भी स्मार्टफोन बहुत टाइम में ब्लास्ट वगैरह होता है, ठीक है। और या स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो उस टाइम दोस्तों आपका चार्जर भी लगा रखा है, तो उसमें दोस्तों बैटरी केमिकल रिएक्शन अलग होता है दोस्तों, उस टाइम दोस्तों आपका स्मार्टफोन भी ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट है, आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करो, धूप से बचाओ, या दोस्तों कहीं पे गिर जाता है तो कोने से गिरने के बाद भी स्मार्टफोन ब्लास्ट होता है, ऐसा कुछ चीज़ है स्मार्टफोन का, ठीक है। और बहुत सारे अफवाह वगैरह चल रहे कि भाई स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में स्मार्टफोन ब्लास्ट वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही सेफ्टी इशू के साथ दोस्तों स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ अगर सेफ्टी के साथ दोस्तों इस्तेमाल करोगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दोस्तों ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे, कुछ भी इस्तेमाल करोगे कोई भी तरीका नहीं होगा तो कोई भी चीज़ दोस्तों फूटेगा, ये तो नॉर्मली बात है, ठीक है। ऐसा दोस्तों रियलमी 8 का दोस्तों ब्लास्ट हो गया, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, और बताया जाएगा तो पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। दोस्तों ऐसे कुछ सेफ्टी इशू आप भी फॉलो कीजिए, और मिनिमम दोस्तों 2 चीज़ फॉलो कीजिएगा, धूप में स्मार्टफोन इस्तेमाल मत कीजिए जितना से ज़्यादा, और स्मार्टफोन चार्जिंग पॉइंट में लगाने के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये 2 बहुत बड़ी एक चीज़ है, इससे बचो, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने इन्फॉर्मेशन देना था आपको, तो दे दिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही था, अच्छा लगता तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।